एपिसोड नंबर 387 387। भुशुंडी ने पक्षीराज गरुड़ को बताया, जैसे गुरु अथवा वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होता, वैसे ही भक्ति के बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। संतोष की प्राप्ति से कामनाओं से मुक्ति मिलती है। जब तक कामनाएं जगती रहती हैं, तब तक स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। बिनु गुरु होई के ज्ञान, ज्ञान के होई विराग, बिनु गावही वेद पुराण, सुख की लही हरि भगति बिनु। विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिनु, चले के जल बिनु नाव, कोटि जतन पचि पचि मरिया। संतोष न काम न साही, काम अचत सुख सपने हुनाही, राम भजन बिनु मिटहि के कामा, फल विहीन तरु कबहु कि जामा। बिनु विज्ञान की समता आवई, अवकाश की नभ बिनु पावही, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गर्ध के पावही कोई, बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा, सील की मिल बिनु बुध सेवकाई, जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई, निज सुख बिनु मन होई कि ठीरा, परस की होई बिहीन समीरा, कवनि उसे भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। अस विचार मति धीर, तज
कुतर्क संशय सकल भजहु राम रघुबीर करुणा कर सुंदर सुखद निज मति सरिस नाथ में जाई प्रभु प्रताप महिमा अगराई कहे न कछु करी जुगति बिसेकी यह सब मैं निज नयन नि देखी प्रजनता न भौड़ाही नहीं पावही अंता तिमि रघुपति महिमा वगाहा तात कबहु को पावकी ताहा रवि सत कोटि प्रकाश शशि सत कोटि सुशीतल समन सकल भवत्रास काल कोटि सत सरिसति दुस्तर दुर्ग दुरंत केतु सत कोटि सम दुराधर्ष भगवंत प्रभु अगाध सत कोटि पताला समन कोटि सत सरिस कराला तीरथ अमित कोटि सम पावन नाम अखिल अघ पूगन सावन हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा सिंधु कोटि सत सम गंभीरा चतुरा